प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहा है जमकर भ्रष्टाचार, मुंह देखकर दिया जा रहा है योजना का लाभ, पात्र हितग्राही आज भी इस योजना से वंचित हैं। टीकमगढ़ शहर के वार्ड नंबर 19 के रहने वाले असगर खान अपने परिवार के साथ पन्नी की झोपड़ी में रहने को मजबूर है। हितग्राही असगर खान ने जानकारी देते हुए बताया, मैंने कई बार नगरपालिका में आवेदन देकर आवास की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जिससे अपने परिवार के साथ झुग्गी में गुजर बसर करने को मजबूर हूँ। प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते पांव घिस गए, लेकिन मुझ गरीब की शायद सुनने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार का दीमक प्रधानमंत्री आवास योजना पर कुछ इस तरह चट किया कि गरीबों के आवास की प्रोजेक्ट पूरी तरह से धराशायी हो गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है? हमारा सब्जी। जो आपकी पड़ोसी है, उनकी क्या हालात है? खराब स्थिति है, पर नहीं डली है, उनका पैसा नहीं आ रहा, नगर पालिका से परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं, बच्चा एक विकलांग है, परेशान है, कई चक्कर लगा चुके, कोई सुनवाई नहीं होती। हकीकत में इनका कच्चा मकान है? हाँ, हकीकत में कच्चा मकान है, आप देख नहीं रहे, पन्नी डली है, कच्चा मकान तो है। इनका पूरा परिवार इसी में रहता है? पूरा परिवार इसी में रहता है। कहाँ के रहने वाले? कौन सी वार्ड? 19 वार्ड। ये बताओ, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमने 3 बार 2 बार फार्म डाल चुके हैं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जाते हैं वहाँ पर, वो यही कहते हैं हो जाएगा काम। कहाँ जाते हो? वहाँ जाके तहसील में, वहाँ पर नगर पालिका पर, बोले हो जाएगा काम, हो जाएगा। किससे मिलते हो? अब ठीक तो नहीं जानते हम, वो जो टाइप वाइप करते जो उस कंप्यूटर बैठ के, तो बोलते हैं हो जाएगा काम, हो जाएगा। 3-4 बार जाते हैं ये, मतलब कोई सुनाई नहीं होती है। मतलब तो आप, ये आपके मकान पर पन्नी रही, इसमें आपको परेशानी महसूस नहीं होती? अरे परेशानी होती साहब, बरसकार में जो बिल्कुल बैठ ही नहीं पाते हैं, और इतनी परेशानी होती, क्या बात है। अब पन्नी डालें, पन्नी पानी कहाँ तक रुकेगा? और कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी? नहीं, अभी शिकायत तो हमने कही नहीं, सब कहीं जाती है बस। वहीं 3-4 बार गए, वहीं जो हमने कहा कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा काम, कोई काम ही नहीं होता है। 3-4 बार हुआ है। क्या नाम अम्मा? अंबरी। बताओ क्या परेशानी है? तो आपका आवास अपने कहाँ कहाँ इसकी सुन चुना? कितने बच्चे हैं? 2। वो भी यहीं पर रहती है? हाँ। आप इसी में रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। शादी में यहीं रहते हैं हमारे, और शादी करके कहाँ पर रहेंगे? टपरा में। कौन अपनी लड़की देगा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।